एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। छत्तीसगढ़ में इन दिनों विरोध कैसे किया जाए इसको लेकर विरोध हो रहा है। सरकार ने आंदोलन और धरना प्रदर्शन से पहले अनुमति को अनिवार्य कर दिया तो बीजेपी कह रही है कि ये तो राज्य में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं, सरकार अपना फैसला बदले नहीं तो फिर 16 तारीख को जेल भरो आंदोलन होगा। यानी पक्ष विपक्ष में तकरार इस बात पर है कि विरोध करने के लिए ये अनुमति वाला नियम क्यों होना चाहिए, और इसी को लेकर प्रदर्शन पर प्रेशर पॉलिटिक्स भी छत्तीसगढ़ में चल रही है। रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों आंदोलन और धरना प्रदर्शन को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जमकर सियासत हो रही है। हाल ही में राज्य की भूपेश सरकार ने धरना प्रदर्शन आंदोलन से पहले अनुमति और गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य कर दिया है, इस पर बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। बीजेपी कह रही है कि विरोध की आवाज को दबाया जा रहा है और इमरजेंसी जैसे हालात बन रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने 16 मई को जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है और प्रदेश सरकार से अपना फरमान वापस लेने की मांग की है। मई 16 तारीख को जो काला कानून आया है, जैसे इमरजेंसी को तो हमने देखे थे इंदिरा गांधी जी के समय पे, और यहाँ एक मिनी इमरजेंसी, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बार बार कहते हैं, एक मिनी इमरजेंसी हम यहाँ छत्तीसगढ़ में देखने को आ रही है। हमने एक जेल भरो कार्यक्रम लिए हैं जिसमें हमारा पूरा का पूरा प्रदेश भर के हमारे कार्यकर्ता जेल जाएंगे, जेल भरेंगे। प्रदेश भर में आंदोलन की अनुमति पर राजनीति हो ही रही थी कि अब रायपुर में भी धरना प्रदर्शन को लेकर नए नियम बना दिए गए हैं, जिसके तहत अब 100 लोगों की क्षमता का धरना प्रदर्शन अनुमति के साथ रायपुर के बूढ़ा तालाब में हो सकता है। इससे 11 लोगों को अनुमति नवा रायपुर में मिलेगी, जिसको लेकर बीजेपी मुखर हो गई है। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है और कह रही है कि आदेश पुराने ही हैं, अगर बीजेपी नहीं मानेगी तो फिर कानून अपना काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी इसका पूरी तरह विरोध करती है और धरना प्रदर्शन को लेकर जो इन्होंने 19 बिंदुओं का आदेश जारी किया है, उसके विरोध में भी पूरे छत्तीसगढ़ में सभी 30 जिलों में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता को साथ में लेकर, सामाजिक संगठनों को साथ में लेकर जेल भरो आंदोलन करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जब से विपक्ष में है, 100 से अधिक आदमी के इकट्ठे नहीं कर पाई तो उनको नया रायपुर जाने की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, इसीलिए वो बोल रहे हैं पुरानी जगह में करेंगे। और अनुमति का नियम तो बहुत पुराना है, धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की अनुमति लेने का नियम तो 2007 में रमन सरकार ने बनाया था, उसका आज तक फॉलो किया जा रहा है। कुल मिलाकर आंदोलन धरना प्रदर्शन पर पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जा रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा लगातार गर्म हो रहा है। देखना यह है कि अब प्रदर्शन की गाइडलाइन फॉलो होती है या फिर सियासत की गाइडलाइंस का पालन किया जाता रहेगा। सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। अमित चिमनानी हैं, नेता हैं आप भारतीय जनता पार्टी से। नितिन भंसाली हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के। और राम अवतार तिवारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत आप तीनों का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अमित जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि मुद्दे तो कई सारे हैं जिनको लेकर विपक्ष आवाज उठाता रहा है, उठाना चाहिए भी। धरना प्रदर्शन आंदोलन, आप इसको लेकर लगातार बीजेपी आंदोलन कर रही है, बात कह रही है कि हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, नियम है उसका पालन किया जा रहा है, दिक्कत कहां आ रही है? अगर अनुमति ले ली जाएगी उसके बाद प्रदर्शन हो जाएगा तो क्या बीजेपी को परेशानी है? माननीय विवेक जी, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मेरा निवेदन है कि जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शिकायतकर्ता को अपनी बात रखने नहीं दी, उन्हें डांट दिया, सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया, वो इस स्टूडियो में नहीं होगा और बारी बारी अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल रखेंगे। पहली बात तो ये बूढ़ा तालाब पर जो धरना स्थल है वहां पर 100 लोगों से ज्यादा को अनुमति नहीं है, ये नियम पहले नहीं था, आखिर सरकार को इसकी क्यों जरूरत पड़ गई? दूसरा, 19 नए बिंदु इन्होंने जोड़ दिए, उसमें इन्होंने ये कहा है कि वीडियोग्राफी कराइए, कौन आपका ऑटो से आएगा, कौन बस से आएगा,
कौन आपका गाड़ी से आएगा, कौन पैदल आएगा, उसकी लिस्ट दीजिए, एफिडेविट साइन करिए, और भी बहुत सारे ऐसे जटिल नियम रखे गए हैं जो अनुमति मात्र नहीं है। मतलब धरना करने वाले को, सरकार के खिलाफ बोलने वाले को एक तरह से रोकने का प्रयास है। और ये क्यों हो रहा है माननीय विवेक जी? अब मैं जो बातें करने वाला हूं वो भाजपा का आरोप नहीं है, वो तथ्य है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये कांग्रेस इसीलिए कर रही है क्योंकि वो हताश है, निराश है, डरी हुई है, घबराई हुई है। अब इसके पीछे कारण ये है कि एक तरफ कांग्रेस को अपने ही सर्वे में उसके 34 विधायकों की परफॉर्मेंस खराब मिली है, उनकी सरकार से जुड़े हुए लोग ही ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, सरकार के जो खुद के दिग्गज मंत्री हैं माननीय टीएस श्रीदेव जी, उन्होंने कहा है कि चुनावी वादे पूरे नहीं हुए हैं, ऐसी स्थिति रही तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये भाजपा नहीं कह रही है विवेक जी, ये सरकार के दिग्गज मंत्री कह रहे हैं। आदरणीय विधानसभा के स्पीकर चरणदास महन जी कहते हैं कि कुपोषण बहुत बढ़ गया छत्तीसगढ़ में, इस पर सरकार को काम करने की जरूरत है। और कांग्रेस के ही युवा आयोग के सदस्य अपने विधायक के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस के लोग खुद ही कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं, जिससे कांग्रेस डर गई है और हर उस आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है जो सरकार के खिलाफ है। ये नियम भी उसके लौट रहा हूं मैं आपके पास। और माननीय मुख्यमंत्री, आपकी बात आ गई है नितिन भंसाली जी, सवाल मेरा आपसे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। भाई अगर कोई गड़बड़ है, कोई दिक्कत है, तो ऐसी ही आवाज उठाई जाती है ना, आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन करके। अब आपने उसमें इतनी सारी गाइडलाइन कर दी है कि वो संभव ही नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों किया गया है? जरूरत क्या थी? क्यों एंगेज कर दिया आपने विपक्ष को इन्हीं मुद्दों पर? लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में विरोध करने का, धरना देने का, प्रदर्शन करने का, अपनी आवाज उठाने का अधिकार सभी को है। हमने कहीं पे किसी भी धरना प्रदर्शन आंदोलन पर रोक लगाने की बात नहीं की है। देखिए, अब जहां तक घोड़ा तालाब की बात चल रही है धरना स्थल की, तो मैं आपको बता दूं, स्थानीय पार्षद, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय रहवासी, चैंबर ऑफ कॉमर्स, सराफा एसोसिएशन आदि कई संगठनों ने मिलकर इस बात को कलेक्टर के पास भी रखी है, शासन के पास भी रखी है, कि इस धरना स्थल की वजह से बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उस राह पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की एम्बुलेंसें तक कई बार आंदोलनों की वजह से फंसी है। तो सारी चीजों का विश्लेषण करने के बाद यह निर्णय लिया गया, और इसमें भी प्रशासन ने बिल्कुल ये पूछा था कि धरना स्थल कौन सा होना चाहिए, आप बताइए। बहुत बार ये बताने के लिए भी उन्होंने क्वेश्चन किए, लेकिन नितिन मंडाली जी, ये सिर्फ बूढ़ा तालाब को लेकर चर्चा नहीं है, ये पूरे उस आंदोलन की अनुमति को लेकर चर्चा है। आप ठीक है, आप बूढ़ा तालाब को लेकर बता रहे हैं कि कई लोगों को परेशानी थी। नितिन भंसाली जी, इस देश ने महीनों तक विरोध प्रदर्शन देखा है। दिल्ली में शाहीनबाग पर लोग बैठे हुए थे सीए के विरोध में, उस समय भी लोगों को परेशानी हुई, मामला कोर्ट तक पहुंचा था। तो ऐसा नहीं है कि धरना प्रदर्शन लोगों के लिए बहुत सुविधा लेकर आता है, परेशानी लेकर आता है, लेकिन ये वही लोग करते हैं जो परेशानी में होते हैं। धरना भाई, ये जो निर्णय लिए गए आमजनों के मांग पर ही लिए गए, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि रोक लगा दी है, नियम कड़े कर दिए गए। अभी अमित चिंदानी जी जैसा बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, पॉलिटिकल लफ्फा जी कहूंगा मैं इसे, 2007 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने यह निर्णय बनाए थे। यही नियम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार इसका पालन करती है, वो लागू करती है, तो वो अच्छा एक मैं इसको पहले क्लियर करना चाहता हूँ। नितिन भंसाली जी, जो 2007 में नियम बने थे वैसे ही नियम है, आपने इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया है क्या? कि जो गाइडलाइन आपने बताई है एफिडेविट से लेकर कौन किससे आ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, जो तमाम तरह की उसमें गाइडलाइन दी गई है, ये आपने नहीं जोड़ी उसमें? देखिए, बहुत सारी चीजें वही है, एकाध दो चीजें कुछ जुड़ी होंगी जैसा मुझे लगता है। विवेक जी, मैं बताने की बात हमें की आ रहा हूं। इस प्रदेश की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये सब चीजें बहुत आवश्यक है। हम जनता की सरकार है, जनता के बीच है, जनता की सरकार है, हमें जनता की चिंता है। कल को कोई जनता ही प्रदर्शन करती है ना, नितिन भंसाली जी, जनता भी तो प्रदर्शन करती है। जिस जनता की आप दुहाई दे रहे हैं
वो भी तो प्रदर्शन करती है। नहीं, हम किस प्रदर्शन पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं? हमने तो कहा ही नहीं कि आप प्रदर्शन मत करिए, आप धरना मत दीजिए, आप रैलियां मत करिए, कोई नहीं कह रहा। हम तो बिल्कुल खुले मन से स्वागत करते हैं कि बिल्कुल लोकतंत्र में जो अधिकार मिले हैं प्रदेश की, देश की, इस भारत की जनता। ठीक है, लौट रहा हूँ आपके पास। राम अवतार तिवारी जी, राम अवतार तिवारी जी, मुझे ये बताइए कि धरना प्रदर्शन को लेकर जो छत्तीसगढ़ में राड़ छिड़ी हुई है और बूढ़ा तालाब को लेकर कल जो नियम सामने आया उसके बाद ये आग में घी डालने जैसा है, और बीजेपी जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रही है, क्या इसकी जरूरत है? और जो नियम बनाए गए हैं उससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? क्या वाकई में लोगों की आवाज दबेगी, विपक्ष की आवाज दबेगी इससे? देखिए, धरना प्रदर्शन स्थल के पास ही मेरा घर है, तो लोगों को धरना प्रदर्शन के बड़े रूप होने पर वो पूरा रास्ता जाम हो जाता है, तो निश्चित तौर पर तकलीफ होती है, पहली बात। दूसरी बात, स्थान परिवर्तन की बात, पुरानी सरकार के समय से चर्चा चल रही थी, अन्य विकल्पों की चर्चा पिछली सरकार के समय भी चल रही थी। तीसरी बात, जहां तक चुनाव जब जब करीब आता है तो जो धरना प्रदर्शन आंदोलन अपने आप बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में चाहे वो देश की राजधानी हो चाहे प्रदेश की राजधानी हो, लोगों के आवागमन को ध्यान रखते हुए प्रशासन नहीं, इमरजेंसी ऐसे हालात है क्या जो बीजेपी कह रही है राम अवतार तिवारी जी की आवाज दबाई जा रही है, क्या ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, आप लोकतंत्र में किसी की आवाज को दबा नहीं सकते। आज की स्थिति में सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और धरना प्रदर्शन आंदोलन तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, तो उसको विपक्ष को दबा नहीं सकती। आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है, और छत्तीसगढ़ में भाजपा में कई जुझारू और बड़े सुलझे हुए नेता हैं। जब नियम बना देंगे तो जब आदमी को डर लगेगा कि वो आवाज उठाएगा, और अगर नियमों का पालन नहीं कर पाएगा तो हो सकता है उस पर कानून कार्रवाई कर दे, वो जेल चला जाए, तो ये डर तो लग जाएगा ना। एक 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिए, उसके बाद अमित जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर नितिन जी आपके पास। देखिए, धरना प्रदर्शन आंदोलन किसी को अनुमति लेने की जो प्रक्रिया है वो शुरू से है, आज से नहीं है। अब उस प्रक्रिया में अगर सरकार ने संशोधन किया है, उन संसदों में अगर आपत्तिजनक है बात, तो भाजपा जो विरोध कर रही है उन विरोधों को जायज माना जा सकता है, उन विरोधों। ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास। अमित चिमनानी जी, सवाल इस बात का है कि अगर सुरक्षा की गारंटी, अगर धरना प्रदर्शन में कुछ हो गया, किसी व्यक्ति को कुछ अनहोनी हो गई उसके साथ, और अगर गारंटी नहीं ली गई तो फिर सवाल तो सरकार से उठते हैं ना कि भाई सरकार क्या कर रही थी, धरना प्रदर्शन हो रहा था तो इसलिए सरकार अपना पक्ष रखने के लिए, बचाव के लिए ये सारे नियम लेकर आई है, फॉलो कर लीजिए, धरना प्रदर्शन कर लीजिए, फर्ज क्या है इसमें? देखिए माननीय विवेक जी, पहले तो कांग्रेस के हमारे जो साथी कह रहे हैं 2007 से ये नियम है, तो आपको अभी आदेश क्यों निकालना पड़ा भाई? आज की डेट में बूढ़ा तालाब का आदेश आपने निकाला है, और पिछले महीने आपने 19 शर्तों का आदेश निकाला है। जब पुराना आदेश था तो नया आदेश निकालने की जरूरत नहीं थी। इसका साफ मतलब है कांग्रेस गुमराह करने का प्रयास कर रही है। दूसरा, 3.5 वर्षों में कई लोगों ने वहां 5-5, 10-10 हजार लोगों ने वहां धरना प्रदर्शन किया है पुराने नियम के हिसाब से। उसमें कोई वीडियोग्राफी की जरूरत नहीं थी, उसमें एफिडेविट देने की जरूरत नहीं थी, आदेशों का पालन करने के लिए। नितिन जी, मैं पहले ही बोला था, बोलने नहीं देंगे। अमित जी बोलिए। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या राजनीतिक दलों को दबाने का प्रयास नहीं है, बल्कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे भारत ने देखा कि विद्युत संविदा कर्मचारी जो अपने हक को मांग रहे थे, टीएस बाबा और सरकार ने जाकर उनको कहा था 10 दिन में आपकी मांग पूरी करेंगे, वो लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे माननीय विवेक जी, उनके सर पर डंडे मारे इन लोगों ने, उनको खदेड़ा, उनका पंडाल तोड़ा। किसान जो है, इस तरह की घटनाएं कई राज्यों में हो रही है। अगर मैं गिनाने बैठ जाऊंगा तो उनमें से कुछ आपके भी सरकारों के राज्य में स्थिति हुई। देखिए, धरना प्रदर्शन का एक तरीका भी होता है, और उसमें पूरी कर लेता अपनी बात विवेक जी। हाँ हाँ,
अब सवाल नितिन बंसाली जी ये है, किसानों का आंदोलन अनवरत चल रहा था। हाँ हाँ विवेक जी। हाँ हाँ किसानों का आंदोलन अनवरत चल रहा था, 3:30 बजे सुबह जाकर इन लोगों ने टेंट उखाड़ दिए उनके। हाँ। ये कौन सी दमनकारी सरकार है? नितिन बंसाली जी जवाब दीजिए, कौन सी दमन? एक मिनट, हमें चिमनानी जी प्लीज रिलैक्स। नितिन बंसाली जी मुझे आप सुनिए। नितिन बंसाली जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने जो पुराना नियम था उसको नए कुछ संशोधन करके जनता के सामने रख दिए कि भैया ये सारे नियम है, इसको फॉलो कर लीजिए, तब आना धरना प्रदर्शन करने, नहीं तो आना मत, नहीं तो कानून अपना काम करेगा। ये बातें जो है ये डराने वाली नहीं है। लोग उनको पहले नियम को फॉलो करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, मुद्दे को समझेंगे या फिर कानून के मुताबिक काम करेंगे। अनुमति लेना एक बात है और सारी गाइडलाइन का पालन करना दूसरी बात है। ये कैसे संभव है? सब कुछ संभव है। आप उठा के उन बिंदुओं को देखिए, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको न किया जा सके। भाई उस धरना प्रदर्शन रैली आंदोलन के 5 या 10 मुख्य कौन लोगे ये पता तो होना चाहिए। कुछ घटनाएं ऐसी देश में सुनने को मिली कि थोड़ी सी चूक में कितने बड़े बवंडर खड़े हुए। शायद विजय जी आप और अच्छे बेहतर तरीके से उन चीजों को जानते होंगे। तो इस राजधानी की, इस प्रदेश की शांति व्यवस्था बनी रहे, जैसा कि राम वो तो ये कह रहे हैं कि आप डर गए, चुनाव आने वाले आप डर गए, आप बीजेपी से डर गए, आप लोगों के विरोध से डर गए, इसलिए आप ये नियम बना रहे हैं। अब जनता के, जनता ने चुना है कांग्रेस को, जनता की सरकार जनता के हितों में काम कर रही है। जब जनता को जो परेशानियां हो रही है, जनता नहीं आवाज उठाई कि यहां से हटाइए जनप्रतिनिधि, वो हटा दिए ठीक है, मैं उसको लेकर सवाल नहीं कर रहा हूं। मैं सवाल ये कर रहा हूं, अच्छा एक बार बताइए नितिन बंसाली जी, क्योंकि सरकार आपकी, इसलिए मैं आपसे ज्यादा सवाल कर रहा हूं और ये बनता भी है। अब चूंकि विरोध हो रहा है, 16 तारीख से जेल भरो आंदोलन भी होगा, बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर आंदोलन करने जा रही है, अब क्या करोगे फिर आगे? सभी बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को जेल में अंदर डाल दोगे? देखिए कानून तो अपना काम करेगा, जो कानून होगा वो कानून अपने हिसाब से करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भय की बात है, बिल्कुल आंदोलन करे। जहां पर ये लगेगा कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है और इनके आंदोलन की वजह से, आंदोलन किस वजह से कर रहे हैं कि धरना प्रदर्शन रोक रहे हैं, मतलब कोई मुद्दा ही नहीं है ये तो। नहीं जो नियम है उस नियम को फॉलो करिए, क्या प्रॉब्लम? और उसमें यदि कोई ऐसी बात है, कोई बहुत बड़ी बात है, तो उसमें कौन सा नियम खराब लगा था हमें बताइए जी। जितने गाइडलाइन आई सामने, आपको कौन सा नियम खराब लगा? 19 बिंदुओं में 8 से 9 बिंदु जिसको भाजपा ने चिन्हित करके बता दिया है, उनमें से मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूं। बताइए। इन्होंने कहा है कि जिसका आयोजन होगा वो वीडियोग्राफी कराएगा, ठीक है, वो पूरा वीडियो बनाएगा, 24 घंटे प्रदर्शन है तो 24 घंटे का वीडियो बनवाओ आप। मतलब एक गरीब आदमी अगर प्रदर्शन करना चाहता है तो 10,000 रुपए वीडियोग्राफी कराए और फिर उसको SDM के पास जमा करे, ये कोई नियम होता है क्या? दूसरा, अरे अगर सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी, क्या चाहते हैं? नितिन जी प्लीज, नितिन जी अभी एक मिनट के अंदर, एक मिनट का समय अभी मैं इसको, इस पूरे विवाद को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट का नितिन बंसाली जी प्लीज शांत हो जाइए। अमित चिमनानी जी फटाफट बताइए कहाँ का दिक्कत है। वीडियो वाली बात आगे बताइए, बीच बीच में टोकते हैं, आगे बताइए अमित जी, आगे बताइए और कहाँ दिक्कत है? टोकेंगे बोलिए। तो वीडियोग्राफी का नियम नहीं चाहिए। दूसरा, कौन से माध्यम से कितने लोग आ रहे हैं, ऑटो से कौन आएगा, ट्रेन से कौन आएगा, बस से कौन आएगा, ये कैसे पता किया जाता है? एफिडेविट, आप एफिडेविट साइन करा रहे हैं, ये फिर बोल रहे हैं, अच्छा ये बोलने नहीं, एक मिनट क्यों? क्योंकि पोल पट्टी खुल रही है। अमित चिमनानी जी, पहले ही बोला था अमित चिमनानी जी एक काम करो, जो आंदोलन आप करने जा रहे हो उस आंदोलन को इस नियम के मुताबिक करके करने की कोशिश करिए, फिर जहां दिक्कत आए उस पर सरकार से बातचीत करिए। ये तो हो गया समाधान खोजने का रास्ता, नहीं तो विरोध करने के तरीके तमाम है और आप विरोध करते रहिए। चुनाव भी नजदीक है, इससे हवाई बनती है, माहौल ही बनता है और चुनाव में माहौल टाइट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, संघर्ष करिए, अच्छी बात है, संघर्ष करना राजनीतिक दलों का काम है, नेताओं का काम है, लेकिन आम लोगों की उसमें फायदा भी होना चाहिए, अपने दल के लिए सिर्फ संघर्ष नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है।